तीसरी माहे मुहर्रम जुलूस मजलिस मातम में हो रहा करबला के बलिदानी इमाम हुसैन का तस्केरा आस्टरिस्क माहे मुहर्रम के जैसे जैसे दिन बीत रहे हैं वैसे वैसे मजलिस मातम के साथ अब जुलूस भी निकलने शुरू हो गए हैं। भोर से काले लिबास पहनकर अजादार इमाम हुसैन एक अजाखाने से दूसरे अजाखाने मजलिस में शिरकत कर जनाबे जहरा को उनके लाल हुसैन की शहादत पर गमगीन रहकर आंसुओं का नजराना पेश कर रहे हैं। बख्शी बाजार दायरा शाह अजमल रोशनबाग रानी मंडी करेली दरियाबाद शाहगंज पांदरीबा चक बहादुरगंज गुरमंडी सहित अनेकों इमामबाड़ों व अजाखानों में कहीं मर्दानी तो कहीं जनानी मजलिस हो रही है। शियाहमुर्ग में नासिर जैदी के आवास पर सालाना मजलिस हुई। कामरान रिजवी ने सोज व सलाम पढ़ा तो जहीर अब्बास भैया ने मजलिस को खिताब किया। अंजुमन गुचाए कासिमिया के नौहाखवानों शादाब जमन अस्करी अब्बास एखलाक रजा जहीर अब्बास कामरान यासिर जैदी आदि ने शायर तालिब इलाहाबादी का नया कलाम पढ़कर माहौल को गमजदा बना दिया। वहीं तीसरी मुहर्रम पर दरियाबाद स्थित इमामबाड़ा हुसैन अली खां से अलम ताबूत और जुलजनाह की शबीह का जुलूस निकाला गया जो अपने परंपरागत मार्गों पर गश्त करता रहा। सभी शबीह कदम रसूल से फूलों से सजाकर निकाली गई। जुलूस के आयोजक जोरेज हैदर के अनुसार अनजुमन हाशिमिया के नौहाखवानों सफदर अब्बास डेजी अर्शी यासिर सिबतैन फैजी खुशतर नवाज अनादिल मोहम्मद दानिश मुनिस अब्बास आदि ने शायर ऑन प्रतापगढ़ी का लिखा नौहा शामे गरीबा आ गई सर पर जैनब है और तन्हाई है कोई नहीं है मोनिसो यावर जैनब है तन्हाई है। शायर डॉक्टर कमर आबदी का लिखा नौहा खाक पर हाय गजब अहले हरम बैठे हैं अपनी आंखों को किए अश्कों से नम बैठे हैं। नौहे के तर्जनिगार अनादिल के गमगीन नौहे सुनकर हुसैन के शैदाइयों की आंखें छलक पड़ी। बड़ी संख्या में महिलाओं ने तबरुकात पर फूल माला चढ़ाकर नौहा और मातम का नजराना पेश किया। जुलूस व मजलिसों में आगा सरदार शाह बहादुर मुशहद अली खां अकबर अली रानू डावर नवाज शफकत अब्बास पाशा आदि मौजूद रहे। वहीं अस्कर मंजिल में मजलिस हुई और अंजुमन नकविया के नौहाखवान शाहरुख शबी हसन किबला शानू नकवी आदि ने रौनक सफीपुरी और रजा सिरसिवी का कलाम पढ़ा। अजाखाना निषाद हुसैन दरियाबाद में तीसरी मुहर्रम की मजलिस को मौलाना इरफान हैदर ने खिताब किया। हैदर अब्बास ने मरसिया खवानी के द्वारा करबला के 72 शहीदों को याद किया। अंजुमन हुसैनिया रजिस्टर के नौहाखवानों ने पुरदर्द नौहा पढ़ा। इमामबाड़ा मोजिशनुमा में मजलिस हुई। नजीब इलाहाबादी के संचालन में हुई मजलिस के बाद अंजुमन मुहाफिज़े अज़ा के नौहाखवान गुलाम अब्बास नकवी ने गमजदा नौहा पढ़ा तो आंखों से इश्कों की धारा फूट पड़ी। रजा हसनैन बाकर नकवी हसन नकवी सैयद मोहम्मद अस्करी जावेद नकवी आदि शामिल रहे। खबर जगत के लिए एलएन सिंह की रिपोर्ट। एक कदम रसूल से जुलूस कदीमी जुलूस है 250-300 साल पुराना ये निकलता है और आज भी हसब दस्तूर निकलेगा। उस्मान जमन हाशिमिया नवाखानी सिनादा निकलेगी और इसके मुतवल्लिन मंजर अली खां हैं जो इसकी देख रेख करते हैं और इस जुलूस को निकालते हैं कि दरियाबाद कदीमी मोहल्ला है और यहाँ हुसैन अली खां साहब तजल्ली बेगम का ये जुलूस है ये पुराना जुलूस है निकलता है। जुलूस में क्या होता है? जुलूस में अलम ताबूत नौहे खानी होते हुए मातम करते हुए सीना जमी करते हुए अंजुमन आती है। यहाँ जुलूस ठंडा होता है हुसैन अली खान की मम्मा। धन्यवाद रेडी। आज दरियाबाद का बहुत पुराना जुलूस मस्जिद कदम रसूल से उठ के इमामबाड़ा हुसैन अली खान में जाता है जो करबला के 72 शहीदों इमाम हुसैन की याद में उठाया जाता है और ये एक ऐतिहासिक जुलूस है जो कई दशकों से यहाँ उठता चला आ रहा है जिसमें अंजुमन हाशिमिया अपने नौहों और कलाम को पेश करती है और इसमें ताबूत और अलम की शबी होती है जो कदम रसूल से उठ के इमामबाड़े में आता है वहाँ पे इसको अहतमाम किया जाता है। उसके बाद यहाँ महिलाएँ भी खराज अकीदत पेश करती हैं और मातम व नौहा पढ़ती हैं।